जी नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ महोबा जिला के फतेहपुर बजरिया वार्ड नंबर 2 में। ये जो देख रहे हैं आप आगे इस साइड जो गली है, यहाँ पे एक कन्या पाठशाला स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे काफ़ी बड़ी दुर्घटना का केंद्र बना हुआ है ये नंगे तार, जो कि 11,000 की लाइन यहाँ से निकली हुई है। तो मैं कुछ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो मैं उनसे कुछ बात करूँगा कि क्या मामला हुआ है और ये घटना कब से होती चली आ। हाई टेंशन लाइन 11,000 केवी का तार टूटने से बाल बाल बचे स्थानीय लोग। बार बार तार टूटने पर विभाग और प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। News 9 Times उत्तर प्रदेश महोबा जिला से लक्ष्मी प्रसाद की रिपोर्ट। महोबा जिला के फतेहपुर बंजरिया वार्ड नंबर 2 में कन्या प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से हाईटेंशन तार निकली, जिससे आज तार टूट जाने से लोगों में रहा भारी आक्रोश। बताया जाता है कि प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापिका ने कई बार BSA को लिखित शिकायत दी। वार्ड सभासद ने भी प्रभारी मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह को लिखित शिकायत दी। उसके बाद भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कि आज कई मकानों में तार के टुकड़े गिरे मिले। कई मकान की लाइट फिटिंग जैसे कि फ्रिज, कूलर, पंखा जल चुके हैं। शुक्र है कि आज रविवार का दिन पड़ गया, जिससे स्कूल बंद था, वरना स्कूल में बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो जाता। जो कि स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे मकानों के ऊपर से हाई टेंशन की तार लगाए जाने से आए दिन खतरा बना रहता है। बीते कुछ वर्ष पहले ही हाई टेंशन लाइन से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। इसके बाद भी प्रशासन कान में तेल डाले हुए बैठी है। बजरिया वासियों का कहना है कि अगर हाई टेंशन तार नहीं हटेगी तो हम अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे। News 9 Times का नाम क्या है? बाल कृष्ण। क्या घटना हुई? तार टूट गई है। ये घटना कब से होती चली आ रही है, बताइए इसको डिटेल में। ये तो 1 महीने पहले टूट गए थे। अच्छा। और फिर टूटे, टूटते थे अब। जी सर, विभाग से कोई सत्तावना नहीं मिली है? कोई बात हुई है? कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है आपको? एप्लीकेशन जाने कितने दे दें, उनको सुनने होते, मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। जी, तो मेरे साथ एक और आंटी जी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि क्या मामला हुआ है और ये तार हमेशा टूटते रहते हैं, जो खतरे का केंद्र बना हुआ है। जी आंटी जी, तो आप बताएंगे क्या नाम है? कमलेश कुमार। जी, क्या घटना हुई? जी, घटना ये हुई है कि यहाँ के जी तार हर महीने में 1-2 बार हमेशा टूटते ही रहते हैं। जी, और कम से कम 2-4-10 साल तक हो गए हैं यहाँ पर हमेशा तार टूटते हैं। और इतने सारे एप्लीकेशन लेके रख दिए हैं कि यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं आया देखने कि किसी का कोई मर रहा है या कुछ घटना हो रही है, कोई आता ही नहीं है। और ना यहाँ की कोई कुछ सुनवाई हो रही है, आज ना कोई सुनता है। आज कोई स्कूल में होता या कोई कहीं होता तो घटना जरूर हो जाती है। हाँ, यही समस्या है। और हमारी यही प्रार्थना है कि ये तार यहाँ से बस्ती से जल्दी निकलने की कोशिश की जाए, या फिर जान डरो आओ कहते हैं इसमें। तो मेरे साथ लाइनमैन भी मौजूद है इस समय, तो लाइनमैन तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जिनसे मैं बात करूंगा, जो कि इनका घर बिल्कुल पास में ही पड़ता है, तो इनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि घर में इनके तार दिख रहा है जला हुआ। तो क्या भैया, क्या घटना हुई है, कैसे बचाव किया है आपने? तार जैसे टूटा है, आपके घर में गिरा है, तो कैसे बचाव हुआ है बताएंगे? नाम क्या है आपका, नाम बताइए। हमारा नाम दीपक है जी। हम तो अंदर में थे, मतलब नानी अचानक से बाहर आई, जब कड़कने की आवाज़ आई तो मतलब तार नीचे झूले हुए थे, तो हमने बाहर आके देखा तो तार नीचे झूले हुए हैं, नानी डरी हुई थी। घटना होते होते बची है। News 9 Times से लक्ष्मी प्रसाद महोबा।